हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका अपना डीसी टेक्निकल और आज हम लोग बात करेंगे स्मार्टफोन कैमरास के बारे में। ये डुअल कैमरा, ट्रिपल कैमरा, क्वाड कैमरा सेटअप जो हमारे स्मार्टफोन्स में आजकल आते हैं, क्या है इनकी सच्चाई, क्या है इनका यूज़, हर चीज़ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने के पहले ही आप लोग से कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, क्योंकि ये हमें बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस लाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्मार्टफोन में कैमरास कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कैमरास आपके स्मार्टफोन में कई प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है मेन कैमरा, जिससे आप नॉर्मल फोटोज खींचते हैं। दूसरा आपका होता है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जिसको अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज़ करते हैं तो आपका जो एंगल आता है वो बहुत वाइड आता है, बहुत सारे लोग को एक साथ आप उसमें देख सकते हैं। एक होता है आपका टेलीफोटो लेंस। टेलीफोटो लेंस से क्या होता है, बेसिकली आप जूमिंग के काम आता है वो 2x 3x टेलीफोटो। अगर आपका 2x टेलीफोटो है तो वो दुगना जूम कर पाएगा, और 3x टेलीफोटो है तो वो तीन गुना जूम कर पाएगा। बेसिकली ये लेंस जो है पोर्ट्रेट फोटोज़ के लिए, जिसमें पीछे बैकग्राउंड ब्लर रहता है आपका, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं और जूमिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। चौथा लेंस आपका आता है डेप्थ कैमरा, जो कि बेसिकली जब पोर्ट्रेट फोटो आप लेते हैं तो उसमें डेप्थ जो आपकी है, पीछे ब्लर करना है, आगे आपको दिखाना है, ह्यूमन ऑब्जेक्ट को उनको सर्च करना है और बैकग्राउंड को ब्लर करना है, ये काम डेप्थ कैमरा करता है। और पांचवा कैमरा जो आपका होता है वो होता है आपका मैक्रो कैमरा। मैक्रो कैमरा बेसिकली क्या होता है कि कोई चीज़ बहुत पास आपको लेनी है, बहुत छोटी चीज़ है, उसकी आप फोटो ले सकते हैं, वो आपको उसको बड़ा करके क्लियर में दिखाएगा। आप नॉर्मल कैमरे से अगर बहुत पास किसी चीज़ की फ़ोटो ले तो वो फ़ोटो ब्लर हो जाती है, लेकिन मैक्रो कैमरा से वो फ़ोटो क्लियर आती है। आपने मार्केट में इस समय बहुत से फ़ोन देखे होंगे जिसमें किसी किसी में दो कैमराज आते हैं, किसी किसी में तीन कैमराज आते हैं, किसी किसी में चार कैमराज आते हैं। बहुत बड़ी ये झूठ एक मार्केट, बहुत बड़ा एक लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन बना है कि अगर आपके फ़ोन में कैमरा ज़्यादा है तो आपके फ़ोन की फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी। गाइस, यही झूठ, यही मिथ, यही कंसेप्ट मिसकंसेप्शन आज मैं क्लियर करने आया हूँ कि ये झूठ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपके फ़ोन में जितने ज़्यादा कैमरा उतनी अच्छी फ़ोटो आएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें डुअल कैमराज फ़ोन की, तो किसी किसी फ़ोन में फ्रंट एक मेन कैमरा तो आपका हर फ़ोन में होगा, मतलब ये आपका फ़ोन में सिंगल कैमरा हो, चाहे चार कैमरा हो, चाहे तीन कैमरा हो, एक मेन कैमरा जिससे आप फ़ोटो खींचते हैं वो आपका हर फ़ोन में होगा। तो मेन कैमरा जो आपका होता है वो मेन डिपेंड करता है कि आपकी फ़ोटो कैसी आएगी। आपके फ़ोन में अगर यदि मान लीजिए चार कैमरे हैं लेकिन आपका मेन कैमरा ही अगर ख़राब है तो आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी, और वहीं किसी फ़ोन में सिर्फ दो कैमरे हैं तो भी उनकी फ़ोटो अच्छी आएगी अगर उसका मेन कैमरा अच्छा है तो। सेकंड नंबर पे जो आपका आता है अल्ट्रा वाइड कैमरा। अल्ट्रा वाइड कैमरा आजकल लोग समझने लग गए हैं लोग कि हाँ अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है फ़ोन में, तो अब ये कंपनीज क्या करने लग गई हैं कि आपको 5 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देंगे। आप ये सोचिए, जिस कैमरा में पहले ही ज़्यादा लोगों को ज़्यादा चीज़ को आना है, अगर उसका मेगापिक्सल और कम होगा तो उसकी क्वालिटी सिंपल सी बात है वो ख़राब ही होगी। कम से कम इन लोगों को 12 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल तक का अल्ट्रा वाइड कैमरा देना चाहिए, लेकिन लोग मांगते हैं और प्राइस भी कम चाहते हैं, इसलिए फ़ोन को सस्ता रखने के लिए 5 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा लगा देते हैं। इसके बाद हमारा आता है तीसरा नंबर का कैमरा, जो कि आजकल बहुत से फ़ोनों में बहुत फालतू कैमरा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मैक्रो कैमरा, या फिर किसी किसी में तो मैक्रो भी नहीं होता है, सिर्फ डेप्थ कैमरा होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, को वनप्लस का नॉट 2 जैसे आया था अभी, उसमें मैक्रो कैमरा भी नहीं था, सिर्फ डेप्थ कैमरा था। लेकिन यही हम लोग का जो रियलमी GT मास्टर है, उसमें हम लोग का तीसरा कैमरा जो है वो मैक्रो कैमरा है। मैक्रो कैमरा का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया ही वीडियो में कि छोटी ऑब्जेक्ट को बड़े करके दिखाने के लिए। मैक्रो कैमरास क्या यूज़ कितना करता है इंसान, मैं ये जानना चाहता हूँ। आपने फ़ोटो जब फ़ोन लिया होगा, हाँ एक बार आपने फूल पत्ती की फ़ोटो, मक्खी की, मच्छर की फ़ोटो, किसी चीज़ की फ़ोटो मैक्रो में आपने ले ली, बहुत खुश हो गए आपके, अरे वाह कितना पास। आपने लाइफ में उसको दोबारा कब यूज़ किया? मैक्रो कैमरा से रिलेटेड एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि MI का एक फ़ोन आया था 11X Pro और एक और फ़ोन है Xiaomi 11T Pro। इन फोन्स में ये फॉर एग्जांपल है, इन फोन्स में हम लोग का जो तीसरा कैमरा था मैक्रो कैमरा, वो एक टेलीफोटो मैक्रो कैमरा था विथ ऑटो फोकस। तो इन कैमरे से लिया हुआ मैक्रो शॉट जो था, जैसे मैं ये फोटो जो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ये भी मैं 11T Pro से ही शूट कर रहा हूँ, जिसका मैक्रो कैमरा टेलीफोटो मैक्रो कैमरा है। तो मैं आपको मैक्रो कैमरा के कुछ शॉट्स इसमें डाल के दिखाऊंगा।
जो माइक्रो कैमरा इस फोन का है वो काम का है, सच में काम का है, क्योंकि वो टेलीफोटो माइक्रो कैमरा है। टेलीफोटो माइक्रो कैमरा आपका खुद से ऑटो फोकस एडजस्ट कर सकता है और उसमें फोटो जो है बहुत क्लियर आती है। फिर भी मेरा ये सवाल है कि माइक्रो कैमरा को कौन कितना इस्तेमाल करता है। यदि आपके फ़ोन में भी माइक्रो कैमरा है तो एक बार आप सोच के देखिए कि आपने उस कैमरे को ज़िंदगी में कितना इस्तेमाल किया है। इन सब कैमरास का कोई यूज़ नहीं करता है। वही मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फ़ोन वन प्लस सेवन टी में कोई माइक्रो कैमरा नहीं है, लेकिन उसने अपने वाइड एंगल, वन प्लस ने अपने वाइड एंगल कैमरे को इतना सक्षम बना रखा है उस फ़ोन में कि वो मैक्रो शॉट वाइड एंगल से ही ले सकता है। तो किसी को अगर ज़रूरत है लेने की तो आप मैक्रो शॉट वाइड एंगल से ही ले लीजिए वन प्लस सेवन टी ऐसे फ़ोन में। सिर्फ और सिर्फ कैमरा का नंबर बढ़ाने के लिए ये तीसरा कैमरा मैक्रो कैमरा डाला जाता है। चौथे नंबर पे हमारा ये आता है डेप्थ कैमरा। और भाई साहब ये कैमरा तो आप आईफोन देखिए, आप आईफोन छोड़िए, आप पिक्सल देखिए, गूगल का पिक्सल 2 था, पिक्सल 1 था गूगल पिक्सल, सब में पोर्ट्रेट शॉट का ऑप्शन था। पोर्ट्रेट मतलब इसमें पीछे ब्लर रहता है, सामने इंसान क्लियर दिखता है, सब में ही कहते पोर्ट्रेट का ऑप्शन था। उसमें तो सिंगल कैमरा था, फिर भी कैसे पोर्ट्रेट यूज़ करता है। गूगल कैमरा में अगर आप गूगल कैमरा यूज़ करते हैं, जी कैम जिसको बोलते हैं, अगर गूगल कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है तो भी वो भी सिंगल कैमरे को यूज़ करके पोर्ट्रेट बना लेता है, वो कैसे करता है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के थ्रू भी ये काम ये लोग कर सकते हैं। तो ये जो चौथा कैमरा या फिर किसी किसी फ़ोन में तीसरा ही कैमरा जो डेप्थ के नाम पे दिया जाता है, ये बहुत ही बड़ा आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है मार्केट में कि ये डेप्थ सेंसिंग करेगा। ये वो करता है, बिल्कुल करता है। अगर आप उस पर उंगली रखेंगे तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड ब्लर आपका खत्म हो जाएगा। उसमें लिख के भी आएगा कि कैमरा का लेंस साफ करिए या फिर कैमरा से हाथ हटाइए, कैमरा को ब्लॉक मत करिए, उसमें सब कुछ लिख के आएगा। यूज़ करता है वो कैमरे को, लेकिन बिना उस कैमरे के भी काम हो सकता है। वो कैमरा सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ोन में इसलिए दिया गया है कैमरे का नंबर बढ़ाने के लिए। मार्केट में बहुत बड़ी ये मिथ बन गई है, बहुत बड़ा ये झूठ एक लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि जितने ज़्यादा कैमरा होंगे फ़ोन में उतना ज़्यादा फोटो अच्छी आएगी। गूगल का एक फ़ोन आया था पिक्सल 4a, वो फ़ोन अराउंड 30,000 के आसपास आया था मार्केट पे। उसमें बैक में सिर्फ सिंगल कैमरा था। ऑफलाइन मार्केट में अगर वो फ़ोन आप बेचने जाते ना सिंगल कैमरा 30,000 में, मैं आपको बता रहा हूँ कोई ख़रीदता ही नहीं उसको, बहुत कम लोग होते जो खरीदते, वरना कोई ख़रीदता ही नहीं उसको, सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट में ये झूठ बना हुआ है कि आपके फ़ोन में जितने ज़्यादा कैमरा उतना अच्छा फ़ोन, उतना अच्छा उसका कैमरा सिस्टम, उतनी अच्छी फ़ोटो आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सो गाइज, मैं आपका अपना DC टेक्निकल आपको बताना चाहूँगा कि आपको यदि फ़ोन लेना है कैमरे के लिए लेना है, कैमरा देख कर लेना है, कैमरा फ़ोन में कितने हैं, 2 हैं 3 हैं 4 हैं ये देख कर फ़ोन मत लीजिए। फ़ोन का कैमरा कैसा है आप बाकी रिव्यूअर्स जिनको फ़ोन अब मिलने लग गए हैं, आप वो कैमरा का सैंपल डालते हैं, आप कैमरा का सैंपल चेक करिए, आप खुद शॉप पे जाके, खुद स्टोर्स पे जाके कैमरे से फ़ोटो खींच के चेक करिए कि फ़ोटो कैसी आ रही है। नंबर पे मत जाइए कि इसमें 3 कैमरा है तो ये ख़राब है, इसमें 4 कैमरा है तो ये अच्छा है, इसमें 2 कैमरा है तो ये बिल्कुल काम का नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ कैमरास, जितने नंबर आपके कैमरे में है, जितने नंबर के कैमरा है, 4 कैमरा 5 कैमरा, इनसे डिपेंड नहीं करता है कि आपका फ़ोन कैसा है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्या पता आप किसकी हेल्प कर दें। इसी के साथ हम लोग विदा करते हैं। जय हिंद।